व्यवस्था आईसीयू के अंदर चले, इसमें हाहाकार मचा हुआ अपराध के अंदर राजस्थान एक नंबर पे चला गया। वसुंधरा गठबंधन साफ साफ अपने ही लोगों से गुणगान करवा रहे, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, विधायक मुख्यमंत्री को तो राजस्थान ने किसी को चिंता है और न इस कोरोना काल में चिकित्सा मंत्री का बयान कुछ आता है तो कभी बीजेपी के नेताओं को बयान, पार्टी के नेताओं पर भी आए दिन भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी में मुख्यमंत्री के एक दर्जन से ज्यादा प्रदेश जिस राजनीतिक हालात से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था आईसीयू के अंदर चली गई, नौजवान रोजगार के लिए कोरोना काल में भी आंदोलित है और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ अपराध के अंदर राजस्थान एक नंबर पर चला गया। गहलोत वसुंधरा गठबंधन साफ साफ झलक रहा है, वसुंधरा राजे अपने उन मंत्रियों पूर्व मंत्रियों से बयान दिला रही है जिन पे अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबने का आरोप थे, 90B के घोटालों की गूंज पूरे देश के अंदर रही और गहलोत भी अपने ही लोगों से गुणगान करवा रहे हैं, बयान दिला रहे हैं। वसुंधरा गहलोत गठबंधन जो पिछले 22 साल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आवाज उठा रही थी, गहलोत वसुंधरा गठबंधन राजस्थान के अंदर, उस पर मोर लग गई, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा, राजस्थान में ऐसा दौर पहले कभी नहीं आया। विधायक मुख्यमंत्री को धमका देते हैं और अपनी जेबें भरने के अंदर लगे हुए, न तो राजस्थान की किसी को चिंता है और न इस कोरोना काल की चिंता है। कोरोना काल के अंदर भी जिस पैकेज की राज्य सरकार दिल्ली सरकार ने घोषणाएं करी वो भी पैकेज दिए नहीं गए, सिर्फ अखबारी दावा। ऑक्सीजन की कमी के कारण राजस्थान के अंदर मौतें हुई, ब्लैक फंगस के कारण राजस्थान के अंदर मौतें हुई, कभी चिकित्सा मंत्री का बयान कुछ आता है तो कभी बीजेपी के नेताओं को बयान कुछ आता है, न तो दिल्ली ने राजस्थान को कुछ दिया और न राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उन्होंने दिल्ली में राजस्थान की पैरोकारी करी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऑडियो वीडियो चल रहे हैं और बीजेपी में मुख्यमंत्री के एक दर्जन से ज्यादा दावेदार है तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए ही अखबार में फोटो छपवाते अपनी। सड़क पर बीजेपी विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रही। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।